अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर दूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इयररिंग्स बनाना। मेरे पास यहाँ पे है प्लास्टिक मिरर, तो आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कि प्लास्टिक मिरर के साथ हम इयररिंग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मुझे इयररिंग्स बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत है वो मैंने अलग से निकाल के रख दी हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी प्लास्टिक मिरर और इस प्लास्टिक मिरर पर ग्लू अप्लाई करूँगी। ग्लू अप्लाई करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास इमोजी और हमें इस स्टिकर को अच्छे से स्टिक करना है प्लास्टिक मिरर पर। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें स्टिक करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैं मेरे पास सम राइनस्टोन्स। मैंने कुछ राइनस्टोन्स भी निकाल के अलग से रख दिए हैं। जहाँ हमने इमोजी स्टिकर को सेंटर में जो स्टिक किया था उसी के साइड पे मैं ग्लू अप्लाई करूँगी। हमारा स्टिकर अच्छे से स्टिक हो चुका है। इस तरह से हमें सर्कल पर ग्लू अप्लाई करना है। ग्लू अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं लूँगी राइनस्टोन पिकर पेंसिल, आप लोग इसे राइनस्टोन पेन भी कह सकते हैं। अब इस पिकर पेंसिल के साथ मैं वन बाय वन राइनस्टोन्स को स्टिक करूँगी इस प्लास्टिक मिरर पे। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमें राइनस्टोन्स को सर्कल पे स्टिक करना है। वाओ, ये देखें कितना प्रीटी लग रहा है। आप लोग इसी तरह घर बैठे अपने लिए खुद अपनी पसंद के इयररिंग्स बना सकते हैं। आप लोग इमोजी की जगह सेंटर में कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कोई पर्ल हो गया, कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, बीट्स हो गए, कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सिल्वर जंप रिंग, क्योंकि इस पर सिल्वर कलर ज़्यादा मैच करेगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी से गोल्डन या कॉपर कलर के जंप रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्लास्टिक मिरर पे पहले से ही होल बना हुआ था और अब इस जंप रिंग को मैंने प्लास्टिक फ्रेम के साथ अटैच कर लिया है। अब जंप रिंग को हमें इस तरह से क्लोज करना है। ये लॉक कर लिया है मैंने। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी इयररिंग हुक। इयररिंग हुक को हम इस तरह से ओपन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। DIY एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी से जुड़े रहना होगा। अब इयररिंग हुक को यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं जंप रिंग के साथ इंसर्ट करूँगी और इसके बाद इस इयररिंग हुक को क्लोज करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे हमारी इयररिंग हुक को लॉक करने के बाद हमारा सुपर डुपर इयररिंग हो गया है रेडी। अब लास्ट में इयररिंग स्टॉपर लगा देंगे, आप लोग इसे इयररिंग बैग्स भी कह सकते हैं। अब अगर आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इजीली इयररिंग बना सकते हैं। बस आपके पास मटेरियल्स होने चाहिए अपने ड्रेस के मैचिंग। इजीली किसी भी तरीके की इयररिंग आप लोग घर में खुद आराम से बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने अपनी सेकेंड इयररिंग भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैं पहले वाली इयररिंग की तरह सेम प्रोसेस से एक और इयररिंग रेडी कर रही हूँ। बस उस इयररिंग पे मैंने पिंक कलर की इमोजी को स्टिक किया है, इस पे मैं ग्रीन कलर की इमोजी को स्टिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इस इयररिंग के हुक को भी उसी प्रोसेस से जंप रिंग के अंदर इंसर्ट करके लॉक कर देंगे। इस तरह से थोड़ा टाइटली हमें क्लोज करना है। तंतरान, यहाँ पे हमारे खूबसूरत से सुपर डुपर इयररिंग हो गए हैं रेडी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो, मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और अपने आस पास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी।